आज हम पूर्वोत्तर अध्यक्ष महानगर ए संबलपुर म्युनिसिपालिटी श्री गिरीश पटेल जी और उनके माता जी खुद आए हैं और रामचंद्र मिश्रा जी बुजुर्ग आदमी सारे के सारे आज यहाँ पर हंगर स्ट्राइक में सुबह से बैठ चुके हैं। और जो हंगर स्ट्राइक हुआ है उसके बारे में आज यहाँ पर नहीं प्राय पूरे भारत के हर जिला में हर कोने में लोग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भाजपा के लोग हैं वो कर रहे हैं। और ख़ास करके देखा जाता है जो खास कर भाजपा के जो प्रेमी हैं जिनके खून में भाजपा है उन्होंने ये कर रखा है। आज भी मिलेंगे हम लोग गिरीश भाई से जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष भी हैं भाजपा के, पूर्वोत्तर चेयरमैन रह चुके हैं और समाज सेवा में भी आज उनका नंबर एक नंबर पर चल रहा है, सारे उड़ीसा में एक नंबर में है। आइए मिले उनसे भी क्या कहते हैं, आइए बैठे हैं कारण क्या। हाँ सर, आज हम सामने गिरीश पटेल जी, आज गिरीश पटेल जी को आज सब सुबह से आए हैं हंगर स्ट्राइक में, तो सर आज हंगर स्ट्राइक में बैठने कारण क्या सर? आपको मालूम है वेस्ट बंगाल में निर्वाचन खत्म होने के बाद में टीएमसी की विजय हुई है, मोदी जी ने भी विजय को शुभेच्छा दिए है। लेकिन दुख की बात है ये जीतने के बाद में ममता बनर्जी के गुंडे खास करके बांग्लादेशी जो है बांग्लादेशी मुस्लिम जो है उसने एक तरफा वहाँ पे आतंकवाद चालू कर दिया है वेस्ट बंगाल में, भाजपा कर्मियों की हत्या, भाजपा महिला कर्मियों का रेप बलात्कार, महिला कर्मियों के साथ में मिस व्यवहार उसका, तथा घर जलाना सबका, हजारों घर जला चुके हैं, हजारों घर को तोड़ चुके हैं। ये सब फेसबुक में देख के, व्हाट्सएप में देख के, सोशल मीडिया में देख के हम लोगों का मन पूरा व्यथित हो गया है। तथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम आज एक हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कल से वेस्ट बंगाल में है, उसने वहाँ पर परिस्थिति को देख के भारतीय जनता पार्टी के कर्मियों को पूरा भारतवर्ष में हर मंडल स्तर में आज कार्यक्रम करने के लिए 6 घंटे का उपवास कार्यक्रम करने के लिए बोला है, सवेरे 6 बजे से लेकर 12 बजे तक कार्यक्रम बोला। तो उसके फलस्वरूप आज हम लोगों ने अपने जिला सभापति के हिसाब से, जब हमारे उड़ीसा में अभी तो महामारी कोरोना का महामारी है तो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हम लोग घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो इस जगह में उपस्थित होकर मैं, मेरे माता जी तथा मेरे पिताजी, हम तीनों जन इसका विरोध कर रहे हैं, तथा ममता बनर्जी के जो गुंडेइज्म का विरोध कर रहे हैं, तथा भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ पे वर्कर है खास करके जो हिंदू वर्कर जो है जिसको बांग्लादेशी के मुसलमानों के द्वारा प्रताड़ित अभी किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसका हम लोगों घोर विरोध करते हैं तथा इसका हम लोगों निंदा करते हैं, तथा वो लोगों के समर्थन में उसके साथ हम लोगों है और हम लोग उसके साथ रहेंगे। पूरा भारतीय जनता पार्टी संगठन उसके साथ में आज जो कार्यक्रम उसको हम इसलिए हम लोग उपवास में बैठे हैं। और आज ये कार्यक्रम संबलपुर जिला के सब मंडल में तथा बहुत जगह कार्यकर्ता जिसका मन व्यतीत वो सब कार्यक्रम कर रहे हैं आज। चलिए सर धन्यवाद। एक सबसे बड़ी खुशी की बात है सर, लोग जो बोलते हैं ना माँ बाप से बड़ा स्वर्ग कुछ नहीं, अब देखिए अब गिरीश भाई खुद अपने माता पिताजी के साथ, उनके माता पिताजी भी उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं। जो बच्चों के सर पर माँ बाप का हाथ होता है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। हम भी देख सकते हैं बुजुर्ग जो माँ बाप वो भी हंगर स्ट्राइक में आके बैठ चुके हैं सुबह 6 से 12 बजे तक। हम तो चाहेंगे कि भगवान भी इनकी प्रार्थना सुने। आज वो जो ममता जी, जिस तरह नाम उनका ममता, उनका नाम तो ममता नहीं और भी कुछ होना चाहिए, ममता का नाम ही होता ममता, लेकिन उस लाइक भी नहीं है। अरे हार जीत तो हर तरफ लगा रहता है, ये मतलब थोड़ी तो लोग जीतने के बाद में भी अपने हर पार्टी को भी गले मिलाते हैं। और हमने देखा मोदी जी ने खुद बधाई दी और हर पार्टियों ने उन्हें बधाई दी कि आपकी जीत करो सर पर। और उधर हमने भी आप सब लोगों ने देखा मोदी जी ने कहा जो भी मेरे से हेल्प करेगा मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। उसके बाद भी यदि उनको ऐसे मन में भावना है तो लोग क्या सोचेंगे। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट। बोलें कुछ माता जी? अच्छा चलिए।